हेलो, आज जो हम बुक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जैक एंड द फ्लम ट्री, जिसे लिखा है जूलिया डोनाल्डसन ने एंड इलस्ट्रेशंस किया है डेविड रॉबर्ट्स ने। सो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैक की नानी को ऐसे पर्पल कलर के स्पॉट्स हो गए थे फेस पे और डॉक्टर ने बोला कि नानी को मूजल्स हो गए हैं और इसका एक ही इलाज है, एक फ्लम फ्लम ट्री, उस पे एक फ्रूट निकलता है, वो फ्रूट अगर नानी खाएगी तो ठीक हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि फ्लम फ्लम ट्री सिर्फ एक ही जगह पे है और वो जगह का नाम क्या है पता है? आइल ऑफ ब्लो योर नोज, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, समुद्र में कहीं पे है, ओशन में कहीं पे है, उसमें आपको बोट पे बैठ के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप, तो उसे लाना बहुत मुश्किल है। तो जैक ने क्या बोला, मैं लेके आऊंगा अपनी नानी के लिए वो फ्रूट, और वो एक बोट बनाने लगा और उसने अपने साथ में दो फ्रेंड्स को ले जाने का सोचा। एक का नाम था रोज, जिसके रेड रोज के जैसे गाल थे, और एक का नाम था स्टू, जिसके छोटे छोटे बाल थे। और उसने अपने दोनों फ्रेंड्स रोज और स्टू को बोला, चलो हम लोग को यहां जाना है, आइल ऑफ ब्लो योर नोज, और नानी के लिए फ्रूट लाना है। तो जिस दिन वो लोग रवाना हो रहे थे अपनी बोट में, जैक की नानी आई और नानी ने उसको एक बड़ा सा पैचवर्क का बैग दिया, और उस बैग में क्या क्या था पता है? दो वुडन स्पून्स थे, एक पॉरेज खाने का एक बोल था, एक प्याला था, कुछ टेंट लगाने के ऐसे कीले जो होती है ना पेक्स, वो थे, कुछ रेड एंड ब्लू बलून्स थे, नानी की जो स्किपिंग रोप होती है जिससे रस्सी कूदते हैं वो स्किपिंग रोप थी, कुछ च्यूइंग गम्स थी, और तीन स्पॉटी हैंकीज थे, देखो ब्लू रेड और ग्रीन कलर के तीन हैंकीज, और साथ में एक ड्रम भी था। जैक ने नानी को पूछा, नानी ये आपने मुझे क्यों दिया, इनका मैं क्या करूंगा? तो नानी ने बोला, आहा, और अपनी नाक को ऐसे ऐसे टैप किया, देखो आपको क्या लगता है इसका क्या करेगा जैक? मुझे भी नहीं पता, चलो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या करेगा वो। तो इस तरह बैग लेके जैक स्टू और रोज आइल ऑफ ब्लो योर नोज के लिए रवाना हो गए अपनी बोट में। तभी स्टू ने रोज ने चिल्लाया, शार्क्स, और स्टू ने चिल्लाया, बहुत सारी शार्क्स, देखो कितनी सारी शार्क्स है, ये तो हमें खा जाएंगी, ये तो हमें पकड़ लेंगी, अब हम क्या करें? तो जैक ने बोला, इसमें डरने की क्या बात है, चलो हम देखते हैं नानी के बैग में क्या है, क्या हम उससे कुछ यूज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है वो लोग क्या यूज करेंगे बैग से? मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं। ओ, रेड बलून्स, ब्लू बलून्स, इनसे बात बन जाएगी, जोर से हवा भरो, फुला और उन्हें छोड़ दो, और बलून ऐसे जूम उड़ते उड़ते जाएंगे, और शार्क्स जो थी वो बलून्स के पीछे चली गई, निप निप क्लैश बैंग पॉप स्प्लैश, और ये लोग बच के निकल गए। ओ, हमारी बोट में एक छेद हो गया और पानी भरने लगा, बोट तो पानी से भर जाएगी और हम तो डूब जाएंगे, अब हम क्या करें? जैक ने बोला, इसमें चिंता करने की क्या बात है, चलो नानी के बैग में देखते हैं क्या कुछ काम की चीज है, चलो देखते हैं वो क्या करेगा। च्यूइंग गम का पैकेज, चलो च्यूइंग गम को चबाओ, उसे स्ट्रेच करो और जल्दी जल्दी छेद जहां पे हो गया है वहां पे चिपका दो ताकि छेद बंद हो जाए, और ऐसे ही उन्होंने छेद बंद कर दिया। और फिर नानी ने जो पॉरिज खाने का प्याला यानी बोल दिया था उससे उन्होंने सारा पानी निकाल के बाहर फेंक दिया, और फिर वो रवाना हो गए आइल ऑफ ब्लो योर नोज के लिए। ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वुप्स, रोज ने चिल्लाया, बचाओ, स्टू ने चिल्लाया, मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, मैं क्या करूंगा? जैक ने बोला, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चलो नानी के बैग में देखते हैं कुछ काम की चीज है क्या, और उन्होंने जो नानी की स्किपिंग रोप थी वो रोप इसको फेंकी और इसने वो पकड़ी, उन्होंने इसे खींच लिया वापस, और उन्होंने बोला, वाह हमारी नानी कितनी अच्छी है, उनकी वजह से आज मैं बच गया।
और फिर ऐसे करते करते सारी मुश्किलों को देखते देखते वो लोग फाइनली आई लव ब्लो योर नोज तक पहुंच गए। क्या आपको फ्लम फ्लम ट्री दिख रहा है? ये रहा फाइनली, और देखो उस पे एक पर्पल कलर का फ्रूट भी है। पर ये कितना बड़ा है, रोज ने बोला, और ये कितना स्मूथ है, इस पे तो कोई टहनिया भी नहीं है, हम इस पे कैसे चढ़ेंगे? तो जैक ने बोला, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, चलो हम नानी के बैग में देखते हैं कोई काम की चीज है क्या। ओ वाह, टेंट प्रेस, टेंट लगाने के लिए देखो उन्होंने ऐसे ऐसे उससे सीढ़ियां बना ली, चलो जल्दी से इसे लगा के हम ऊपर चढ़ जाते। और रोज ऊपर चढ़ गई और फट से वो फ्रूट तोड़ के नीचे लेके आ गई। और अब रोज, स्टू एंड जैक इतना थक गए थे कि वो लोग थोड़ी देर बीच के पास सोने लगे, आराम करने लगे। देखो फ्रूट उनके पास रखा है। चोर, एक बंदर, रोज ने चिल्लाया और स्टू ने चिल्लाया, उसने हमारा फ्लम फ्लम ट्री ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही तो हमारा फ्लम फ्लम फ्रूट था। तो जैक ने बोला, अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, चलो नानी के बैग में देखते कोई काम की चीज है क्या। हाँ देखो वुडन स्पून और ड्रम, और जल्दी जल्दी इसको बजाना शुरू करो, कोई गाना गाना शुरू करो। जैसे उन्होंने बजा के गाना गाना शुरू किया, मंकी देखने लगा, ये तो बहुत अच्छा गेम लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा खिलौना है। और उसने फ्रूट छोड़ा और आके खुद ड्रम बजाने लगा। और तभी तुरंत इन्होंने फ्रूट को उठाया और वो लोग रवाना हो गए घर के लिए। और ये नानी ने फ्रूट खा लिया और नानी ठीक हो गई। नानी को जैक ने बोला, थैंक यू नानी, आपने हमको वुडन स्पून्स दिया, एक बोल दिया, स्किपिंग रोप दी, रेड और ब्लू कलर के बलून्स दिए, आपने हमें टेंट पैक दिया और च्यूइंग गम दी, और हाँ आपने हमें जो ड्रम दिया, इन सबसे हमें बहुत मदद मिली। पर जो 3 हैंकीज दिए थे आपने, वो किस लिए थे नानी, उनका तो हमने कोई यूज नहीं किया। तो नानी बोली, बुद्धू जैक, वो तो मैंने तुम तीनों को अपनी नाक पोंछने के लिए दिया था। दी एंड। जैक एंड द फ्लम फ्लम ट्री, जिसे लिखा था जूलिया डोनाल्डसन और इलस्ट्रेशंस दिए थे डेविड रॉबर्ट्स ने। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, क्या आपको अच्छी लगी? सबसे अच्छी बात थी जैक की समझदारी, जो कभी भी किसी भी मुसीबत में परेशान नहीं होता था और शांत दिमाग से उसका एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता था। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए ना? अगर आपको भी ये बुक अच्छी लगी तो हमको थम्स अप दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपको अगली बार एक और बहुत अच्छी बुक के साथ मिलूंगी। बाय बाय।